इजराइल और हमास की लड़ाई में आम नागरिकों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय मौजूद हैं। युद्ध की आहट को देखकर भारत ने भी अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन अजय की जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट और अन्य तरीके की व्यवस्था की जा रही है। विदेशों में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। एस जयशंकर की पोस्ट पर इसराइल में भारत के दूतावास ने कहा है कि जिन भारतीय नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें 12 अक्टूबर की स्पेशल फ्लाइट के लिए मेल कर दिया गया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य रजिस्टर्ड लोगों को संदेश भेजा जाएगा। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोनानी के अनुसार इसराइल में 20,000 से अधिक भारतीय हैं। इससे पहले इसराइल में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाने का भी ऐलान किया था। भारतीय दूतावास ने बुधवार को इसराइल में भारतीय नागरिकों को शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया है। दूतावास ने इसराइल में भारतीय नागरिकों को आश्वस्त किया है कि वो स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिकॉर्डेड संदेश में इसराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने कहा, ये आपको आश्वस्त करने के लिए है कि दूतावास आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सभी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कृपया शांत और सतर्क रहें तथा स्थानीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें।